Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमने? कोई तो वजह होगी, आखिर बात क्या है? स्नेहा, ऐसा फिगर पाने के लिए तो लोग 75,000 रुपए महीना डाइटिशियन को देने को भी तैयार हैं। और ऐसी फिगर कैसी लग रही हूँ? फिट? देखो तुम बात को ना। अब आप यहाँ पर आइए, इसे उठाइए, लीजिए और पानी छिड़किए पौधों में। चलिए, मेरी गुंजन तो मुझे मदद करने से रही। हमारी बिटिया कितनी बड़ी हो गई है। ओह रियली? आपको लगा मैं हमेशा बच्ची ही रहूंगी? अच्छा बस, चलिए दीदी पौधों में पानी छिड़किए। और आप? चलिए चलिए। स्नेहा ने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बचपन की तरह आज भी पौधों में उलझी रहती हो? कितने लगाती जा रही हो और कितने लगाओगी? हाँ आखरी ये मेरी फेवरेट है क्लिप। हाँ, और परांदी, मैंने भी इसे आज तक संभाल कर रखा है और आपने भी। सी? रचना भी हमसे हमेशा पूछती रहती है, मम्मी इन सब पुरानी चीजों को संभाल कर क्यों रखती हो? यादें काफी नहीं है क्या? अब लंबी कितनी हुई है रचना? बिल्कुल हमारी गुंजन जितनी, और ऐसा ही मासूम चेहरा भी। अरे याद आया, गुंजन बेटा जरा यहाँ आना। गुंजन आओ। अरे आओ ना। आओ, हम आपके लिए कुछ लेकर आए। यहाँ बेटा, ये सलवार सूट तुम्हारे लिए। लो। थैंक्स, बट मैं सलवार सूट नहीं पहनती। कभी कभी तो पहनती होगी बेटा। नहीं, मैं कभी नहीं पहनती। गुंजन, मौसी इतनी दूर से इतनी प्यार से तुम्हारे लिए कुछ लाई है, उसे मना नहीं करते। दीदी आप इसे मुझे दीजिए, मैं इसका सूट सिलवा कर इसे किसी खास मौके पर पहनाऊंगी, है ना? हेलो मम्मी, आपके बिना यहाँ सब उल्टा फुल्टा हो रहा है, आप वापस कब आएंगे? बेटा हम आज ही तो पहुंचे हैं, परसों सवेरे की फ्लाइट से आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन मम्मी हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हमें भी बेटा। मम्मी, मौसी कैसी है और गुंजन? वो सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। चलो अब असली बात पर आओ, ऐसे घबरा कर क्यों फोन किया? मम्मी वो साड़ी ब्लाउज है ना, काले रंग का? हाँ। वो हमने पहनकर देखा, हमें फिट आ रहा है, लेकिन मम्मी उसमें से ना सब दिखता है। मतलब उसके नीचे पहनने के लिए? उसके नीचे काला वाला चाहिए ना पहनने के लिए। परसों जब हम आएंगे ना खरीदने चलेंगे, ठीक है? दीदी बनारस ना सही, मुंबई ही सही। हम समझे नहीं? दीदी क्यों ना हम उन दिनों को दोबारा जी ले। बस अब सोचिए मत, फटाफट तैयार हो जाइए और कहीं बाहर चलते हैं। एक मिनट एक मिनट, तुमने हमें फौरन फोन करके यहाँ बुलाया, कोई तो वजह होगी। याद आया मुझे, आज शाम को हमारी सहेली के घर पे माता की चौकी। और हाँ, उससे पहले मेकओवर, गुंजन की मॉम और गुंजन की मासी का मेकओवर। मामा वन सेक, थोड़ा जस्ट चिल, आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही है?
नहीं तो जेठ जी को कौन बुला कर लाएगा? हमें तो माफ कीजिए दीदी, हमारी तो बोलती ही बंद हो जाती है उनके सामने। अरे बोलती तो हमारी भी बंद हो जाती है, जब वो हमारे सामने आते हैं ना तो हमें तो घबराहट होने लगती है। एक काम करते हैं, रचना से कहते थे वो बुला लाएगी। हाँ दीदी ये ठीक रहेगा। अरे क्या ठीक रहेगा, हमारे भैया कोई शेर थोड़ी ना है कि किसी को खा जाएंगे। अरे खा थोड़ी रहा हूँ भैया। सुनो अभी एक दिन के लिए बाहर क्या चली गई? हमारे बड़े भैया को पूछने वाला इस घर में कोई भी नहीं है। और नहीं तो क्या गोपाल? तो एक काम करिए, आप दोनों जाइए और उन्हें जाकर पूछ आइए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, गोपाल तुम जाकर बुला कर ले आओ। नहीं नहीं, शेर की गुफा में कदम कौन रखेगा? वही तो। ये सब छोड़ो, हमें तो डर लग रहा है कहीं घबराहट में कुछ ऊपर नीचे ना हो गया हमसे। दीदी होती थी तो इन छोटी छोटी बातों पर वो खुद ही ध्यान दे दिया करता। ये चेहरा एकदम फूल सा खिल रहा है ना? इतने पैसे बर्बाद किए। अरे दीदी चिल, पता है आप बहुत बड़ी फैमिली की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, लेकिन कभी कभी आपको भी आपकी देखभाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए, है ना? अब आप यहाँ आई हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पूरी तरह से आपकी देखभाल कर लेने दीजिए, ठीक है? अब ये पता नहीं ये मौका दोबारा आए ना आए। हमसे बात नहीं करती थी लेकिन हमारे बारे में पूरी दुनिया से बात करती थी। आपसे कभी बात नहीं की तो क्या? मन में तो आप हमेशा थी दीदी। मैं जरा एक अभी आई। हाँ जी थैंक यू। बहनों, हमारी शेर दीदी खास बनारस से आई हैं। नमस्ते। ये आज हमें यहाँ पर खास एक भजन सुनाएंगी, है ना? आइए। नहीं नहीं, हम कहाँ गा पाते हैं, हमसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए, हमें नहीं आ पाता। मिसेस पटेल आप ही कहिए ना दीदी से, आइए सुनाइए ना, माता के दरबार में मना नहीं करते। सबे माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दो, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मुझे आज माफ कर दो। स्नेहा, क्या हुआ स्नेहा, किस बात की माफी मांग रही हो तुम? हाँ आकाश की सगाई आपसे होने वाली थी लेकिन मैंने उसे आपसे छीन ली, उसे शादी कर ली। मैं आपकी गुनहगार हूँ दीदी, माफ कर दीजिए। स्नेहा माफ कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज? हाँ अरे इतनी पुरानी बात हम तो कब के भूल चुके, आज इसके लिए क्यों माफी मांग रही हो तुम? स्नेहा स्नेहा यहाँ देखो, अब तक तुम्हें हमें बताया नहीं, ऐसे अचानक क्यों बुलाया तुमने? हाँ जरूर तुम कुछ छिपा रही हो, बताओ सच बताओ स्नेहा, हम सच जानना चाहते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई तो बात जरूर है। क्या बात है बताओ हमें, बोलो स्नेहा। दीदी ये जो जिंदगी होती है वो सिर्फ जन्म और मौत के बीच का एक छोटा सा हिस्सा होती है, छोटी सी छुट्टी होती है, फिर छुट्टी खत्म हो जाती है, बीत जाती है, और हम भी उसके साथ ऐसे ही देते हैं। हमारी छुट्टी हो गई, हमारी छुट्टी हो गई, हमारी छुट्टी हो गई, हमारी इस जिंदगी से।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।